नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे वॉशिंग मशीन के सभी भागों की संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, वॉशिंग मशीन के पार्ट के बारे में, उसका काम और कहां कहां यूज होता है सारे पार्टों का। जैसे कि आप देख रहे हैं, सारे पार्ट का नाम भी लिख दिया है, सारे विस्तार से हम बताएंगे, संपूर्ण बताएंगे, डिटेल में पूरे बताएंगे इसको कैसे कैसे होगा। तो वीडियो लंबी होगी दोस्तों, तो स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कौन कौन से पार्ट है और कहां कहां यूज होते हैं। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे ध्यान से, तो समझ लीजिए कि 50% काम आप सीख जाएंगे इस वीडियो को देख कर कि कैसे कैसे काम करता है। और प्रैक्टिकल में हम आपको प्रॉब्लम बता देंगे कि कहां कहां से प्रॉब्लम आते हैं, उसका सॉल्व कैसे करेंगे, तो सारे अगली वीडियो में हम बता देंगे। तो पहले आप इसको समझ लीजिए कि प्रॉब्लम भी आप समझ जाएंगे कि कहां कहां से प्रॉब्लम आती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तो हम सारा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपको, सारा क्या 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 प्रॉब्लम है, कहां से सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में, सारे पार्ट को नाम बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो लंबी होगी तो स्किप मत करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और चैनल को पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और नए टेक्नीशियन के लिए बेस्ट है, और जो सीख रहे हैं और जो करना चाहते हैं वॉशिंग मशीन का काम या फिर और काम, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन का, तो इस चैनल पे आपको मिलेंगे सबको। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, सबका प्रैक्टिकल के साथ आपको इस पे वीडियो मिलेगा। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे पास 15 पार्टों का नाम रखा है, लिखा हुआ है क्या क्या है। तो दोस्तों, पहले है मोटर। मोटर में दो मोटर है, एक स्पिन मोटर है, एक वॉश मोटर है दोस्तों। उसके बाद दूसरा नंबर ड्रम है, ड्रम एक वॉश ड्रम है, एक स्पिन ड्रम है, अभी बताएंगे। उसके बाद वॉश टाइमर है दोस्तों, तीसरा नंबर। चौथा है स्पिन टाइमर। उसके बाद है पांचवा गियर बॉक्स। उसके बाद छठा है ड्रेन स्विच। उसके बाद सता है पल्स्टर। उसके बाद आठवां है स्पिन ब्रेक। उसके बाद नौवां है कैपेसिटर, और दस है पुल्ली, जो दो पुल्ली लगते हैं दोस्तों इसमें। उसके बाद ग्यारहवां है बेल्ट। उसके बाद फिर बफर। उसके बाद नोब स्विच। उसके बाद बजर। उसके बाद ड्रेन असेंबली। तो दोस्तों, इतने पार्ट लगे होते हैं और छोटे छोटे पार्ट लगे होते हैं, तो हम आपको बता देंगे कहाँ कहाँ लगेगा। तो अभी हम लिखे नहीं है, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं मोटर से। पहले मोटर से स्टार्ट करते हैं, वॉश मोटर दोस्तों। तो मोटर वॉश कहाँ लगा है दोस्तों, ये देखिए वॉश मोटर है दोस्तों। ये कपड़ा धुलने वाला है, ये कपड़ा धुलने वाला है, ये देखिए, ये कपड़ा धुलने वाला, इसे वॉश मोटर बोलते हैं। वॉश मोटर ये वॉशिंग मशीन के नीचे लगा होता है, हम आपको प्रैक्टिकल में दिखाएंगे दोस्तों। ये कपड़ा धोने वाला वॉश मोटर हो गया। अब दोस्तों, स्पिन मोटर कहाँ लगा है दोस्तों? स्पिन मोटर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लगा है वॉशिंग मशीन में, दिखाएंगे आपको कि दो मोटर होते हैं। तो ये स्पिन मोटर है जो कपड़ा सुखाता है, कपड़ा ड्राई करता है, जो पानी निचोड़ता है। तो दोस्तों, ये मोटर हमारा हो गया। अब आते हैं दोस्तों ड्रम, ड्रम वॉश ड्रम दोस्तों, ये हमारा वॉश ड्रम जिसमें कपड़ा धुला जाता है, इसमें पानी स्टोर किया जाता है। ये टैंक नुमा होता है गोल से, आप दिखाएंगे वीडियो में इसको। तो ये हो गया हमारा ड्रम, देखिए दोस्तों, ये हमारा ड्रम हो गया, ये वॉश ड्रम। अब आते हैं स्पिन ड्रम। तो दोस्तों, ये हमारा स्पिन ड्रम है, देख रहे हैं आप स्पिन ड्रम, ये गोला सा होता है, वो भी दिखाएंगे, और साथ में हम फिगर भी दिखाते चलेंगे आपको। तो दोस्तों, अब आते हैं तीसरे नंबर पे वॉश टाइमर। तो दोस्तों, ये देखिए वॉश टाइमर है, इसमें दो मतलब आते हैं दो टाइप के, एक तो एक कंबाइंड होता है, मतलब दो सेलेक्टर भी होते हैं और वॉश टाइमर, दोनों एक ही में होते हैं, आपको वीडियो में दिखा, हम प्रैक्टिकल में दिखा देंगे इसको। तो ये और सिंगल भी आते हैं, ये सिंगल भी आता है। तो दोस्तों, ये देखिए आप, ये वॉश और सेलेक्टर एक ही में है, आता है और अलग भी आता है। तो ये हो गया हमारा वॉश टाइमर। उसके बाद स्पिन टाइमर दोस्तों, स्पिन टाइमर, ये स्पिन टाइमर इधर है दोस्तों, देखिए ये वाला स्पिन टाइमर है, ये स्पिन टाइमर हो गया, जो स्पिन कपड़ा सुखाने वाले में लगता है। अब देखिए दोस्तों, ये गियर बॉक्स दोस्तों, ये हमारा गियर बॉक्स है, ये हमारा गियर बॉक्स है जो वॉश टाइमर में लगता है, वॉश ड्रम के नीचे लगता है, ये देखिए गियर बॉक्स है। अभी हम पार्ट बता दे रहे हैं कहाँ कहाँ लगा है आप, उसके बाद हम काम बताएंगे सर दोस्तों। उसके बाद आते हैं, ये हो गया दोस्तों, ये गियर बॉक्स, ये ड्रेन स्विच दोस्तों, ये हमारा ड्रेन स्विच है, ये देखिए हमारा ड्रेन स्विच है, यहाँ से ड्रेन स्विच का आता है। तो दोस्तों, ये हमारा ड्रेन स्विच हो गया। अब पल्स्टर, ये दोस्तों हमारे वॉश ड्रम में पल्स्टर लगा होता है, ये पल्स्टर, ये गोल सा होता है, राउंड सा, इसमें गिट्टी लगे होते हैं। तो ये दोस्तों, ये हमारा हो गया। उसके बाद हम आते हैं स्पिन ब्रेक। स्पिन ब्रेक कहाँ है दोस्तों? स्पिन ब्रेक क्या है दोस्तों? ये है जो हमारे स्पिन मोटर के ऊपर प्लेट लगता है, ब्लैक प्लेट,
ये ब्रेक प्लेट बोलते हैं या आप स्पिन ब्रेक बोल सकते हैं या फिर क्लच बोल सकते हैं, आप जो भी बोलना है। तो यहाँ पे लगा है दोस्तों, यहाँ से कंट्रोल होता है, इसका ढक्कन से कंट्रोल होता है। ये अब अभी आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों अब आते हैं कैपेसिटर। तो दोस्तों कैपेसिटर है नहीं, तो कैपेसिटर हम आपको दिखा दे रहे हैं। कैपेसिटर ये है, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा कैपेसिटर है। कैपेसिटर ये हमारा 4 वाट का कैपेसिटर है। तो इसमें कितने एमएफडी का लगता है अब ओके हम बाद में बता देंगे आपको। उसके बाद फिर आते हैं पुल्ली। दोस्तों इसमें एक पुल्ली इधर लगा है, देखिए ये दो पुल्ली जो मोटर में, एक पुल्ली यहाँ पे लगा है, एक पुल्ली यहाँ पे लगता है दोस्तों इस स्पिन में। तो दोनों मोटर में दो पुल्ली लगती है। तो आते हैं दोस्तों बेल्ट, ये बेल्ट कहाँ लगा है दोस्तों, ये बेल्ट लगा हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे बेल्ट लगा हुआ है जो गेयर बॉक्स और पुल्ली के वास मोटर के पुल्ली के उसमें चलता है, बेल्ट ड्राइव चलता है दोस्तों। अब आते हैं बफर कहाँ लगा है दोस्तों, अब बफर पे हम बात करते हैं। बफर दोस्तों यहाँ पे लगता है, स्पिन ड्रम में लगता है, उसका काम ये भी बताएंगे दोस्तों। ये हमारा यहाँ बफर लगा हुआ है। अब आते हैं नोब स्विच, अब नोब स्विच कहाँ लगा है दोस्तों, ये हमारे जो इसमें लगते हैं टाइमर में और स्पिन टाइमर में, तो ये हमारा ऊपर का जो होता है वो नोब स्विच होता है दोस्तों। अब बजर कहाँ लगा है दोस्तों, अब बजर हम आपको बता दे रहे हैं, बजर दोस्तों यहाँ पे लगा है, ये हमारा बजर। उसके बाद आते हैं दोस्तों यहाँ ड्रेन असेंबली कहाँ है, तो दोस्तों ये ड्रेन असेंबली है, ये देख रहे हैं ये ड्रेन असेंबली है। तो दोस्तों ये सब हो गया, आप पार्ट के बारे में जान लिए, जल्दी से हम बता दिए, अब इनका काम स्टेप बाय स्टेप आपको हम बता दे रहे हैं दोस्तों। ये अब ये देखिए मोटर का है, वाश मोटर। वाश मोटर मतलब कपड़ा धोने वाला मोटर, जो कपड़ा ज्यादा हैवी होता है मोटर, तो ये कपड़ा धुलने वाला मोटर का काम आता है वाश मोटर। तो दोस्तों ये कपड़ा धुलता है इससे, वाश मोटर से। अब आते हैं स्पिन मोटर से, स्पिन मोटर से कपड़ा सुखाता है, ये कम पावर का होता है तो ये कपड़ा सुखाता है, ये ड्रम में चलता है, पूरा ड्रम घुमाता है। तो दोस्तों अब आते हैं स्पिन टाइमर, स्पिन टाइमर का काम क्या होता है दोस्तों, आप अगर इस पे जितने टाइम पे, जैसे आप 5, 10, 15, 20 पे, आप अगर इस पे किसी पे सेलेक्ट करके हमको इतने में टाइम पे कपड़ा धुलना है, तो उतने पे सेट कर देंगे तो कपड़ा धुल देगा दोस्तों। आप इसका क्या होता है वॉश टाइमर का। और सेलेक्टर का दोस्तों आपको हम बता दे रहे हैं इसी में सेलेक्टर का। तो सेलेक्टर का आपको जैसे 3 टाइप के होते हैं, एक नॉर्मल, एक स्ट्रॉन्ग और एक जेंटल। तो दोस्तों जैसे नॉर्मल कपड़ा, हैवी कपड़ा, ज्यादा गंदा, ये सब में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल कम गंदा है तो उस पर कर सकते हैं, ज्यादा गंदा है तो स्ट्रॉन्ग पे कर सकते हैं, अगर ना वैसे है तो फिर जेंटल पे कर सकते हैं। तो आप देखेंगे वॉशिंग मशीन में, आपको दिखाएंगे प्रैक्टिकल में तो कैसे होगा। तो ये हो गया दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों स्पिन टाइमर, स्पिन टाइमर का भी वही हाल काम होता है दोस्तों, जो इस ऐसे क्या कहते हैं वॉश टाइमर का, वॉश टाइमर इसको भी आप सेट कर देंगे, जितने मिनट तक आप चलाना चाहते हैं उस पर आप अगर नोब घुमाएंगे तो सेट हो जाएगा, उस पर काम करेगा दोस्तों। अब आते हैं गेयर बॉक्स, गेयर बॉक्स पे दोस्तों ये गेयर बॉक्स है, क्या करता है, इसमें लगे होते हैं चरखी, लगे होते हैं अंदर गेयर बॉक्स में, आपने वीडियो हमारी पड़ी होगी उसमें देख लीजिए, हमने खोल के दिखाया है। तो दोस्तों ये गेयर बॉक्स लगा हुआ है जो एक दोनों साइड घूमता है, एक राइट एक लेफ्ट दोनों साइड में घूमता है, दाएं बाएं घूमता है, ये गेयर का काम होता है, इसे घुमाता है मतलब घूमता है, दोनों साइड घूमता है ये पॉलिस्टर अंदर का। तो जैसे कपड़ा रगड़ रगड़ के साफ होता है, इसी की वजह से इस पे पुल्ली चलता है दोस्तों। यहाँ गेयर बॉक्स है, तो अब इसका काम कपड़ा इधर उधर घुमाना पॉलिस्टर को ड्रम में। तो दोस्तों आते हैं ड्रेन स्विच में, ड्रेन स्विच कहाँ लगा है दोस्तों, ड्रेन स्विच का काम क्या होता है, ये देख रहे हैं, ये जो इस ड्रेन असेंबली है तो इसी में प्लास्टिक होगा पीछे लगा होगा, पानी जिससे निकलता है, यहाँ का पानी दोनों यहाँ से निकलता है। तो यहाँ पे रबर लगा होता है दोस्तों, यहाँ का पानी डायरेक्ट आता है दोस्तों, यहाँ का स्पिन का पानी डायरेक्ट आता है और यहाँ से निकल जाता है, जब कपड़ा सुखाता है तो डायरेक्ट निकल जाता है। और दोस्तों ये वॉश वाला जो है यहाँ पानी स्टोर करता है, यहाँ पे दबा रहता है, रबर होता है तो दबा रहता है, जब आप इसको घुमाएंगे तो ये उठ जाएगा, तो जो इसमें पानी सरफ रहता है गंदा रहता है तो इसके रास्ते से यहाँ से निकल जाएगा दोस्तों, आप समझ रहे हैं, यहाँ से निकल, जब इसको घुमाएंगे तो ये फिर उसके बाद यहाँ से पानी निकल जाएगा, तो फिर इसको घुमा के कर देंगे तो इसमें पानी भरेंगे तो पानी रुकेगा दोस्तों। ये होता है ड्रेन स्विच का काम।
ये देख रहे हैं, आपको बता दिया दोस्तों। अब आते हैं पॉलिस्टर का होता है दोस्तों। ये पॉलिस्टर ये लगा हुआ है पॉलिस्टर जो इसमें गिट्टी गिट्टी बना होता है जिससे कपड़ा रगड़ रगड़ के घूम घूम के घूमता है अंदर से, आप दिखाएंगे हम उसको, तो आप इसको घूम घूम के उस पर रगड़ रगड़ के उससे जो गंदे होते हैं दाग धब्बे लगे होते हैं उसको छुड़ाता है, ये काम करता है पॉलिस्टर, घूम इधर उधर घूम के कपड़े को अच्छे से साफ करता है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों स्पिन ब्रेक, स्पिन ब्रेक ये लगा हुआ है, स्पिन ब्रेक या क्लेश बोल सकते हैं, या ये लगा हुआ है तो क्या करता है, एक ऐसे काम करता है जब दोस्तों जब आप चला रहे हैं, आप इसको घुमा दिए स्विच को, जब ये कपड़ा राउंड चलता घूम रहा है पूरा कपड़ा सुखा रहा है, अगर आपको रोकना है तो आप यहाँ पे ढक्कन लगा होता है, आप देखेंगे ढक्कन लगा होगा, तो ये ढक्कन जब आप उठाएंगे ना तो यहाँ पे ये जाके ब्रेक इस पुल्ली में सट जाता है, तो आप गाड़ी में भी देखते होंगे कि ब्रेक मारते हैं तो रुक जाती है, तो उसी सेम प्रोसेस इसका होता है, जब आप ये ढक्कन उठाएंगे तो ये तार खींचेगा तो जाके ये जाम कर देगा, मोटर रुक जाएगा, स्टॉप हो जाए, और उसके बाद फिर कैसे स्टार्ट होगा, आप अगर ढक्कन बंद करेंगे तुरंत यहां से छोड़ देगा, उसके बाद फिर ये अपना काम करना कपड़ा सुखाना चालू कर देगा, ये हो गया। अब दोस्तों आते हैं कैपेसिटर, कैपेसिटर दोनों में लगेगा दोस्तों, ये हमारा कैपेसिटर है, ये इसमें वाश में 10 MFD चलता है, उसके बाद 6 या 5 स्पिन में चलता है, तो इसमें दो कैपेसिटर का होता है कंबाइंड, तो इसमें 4 वायर निकले होते हैं दोस्तों, तो इसमें 2 इधर जाएंगे और 2 इधर जाएंगे दोस्तों, इसमें आप वायरिंग में हम बता देंगे आपको, समझा देंगे अच्छे से, आप समझ जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप इसको समझ गए तो समझ लीजिए 50% आपको काम आ गया कि क्या क्या पार्ट होता है, कहाँ कहाँ लगा होता है, आप जब खोलेंगे वॉशिंग मशीन या करना चाहिए तो आपको पार्ट का नाम और काम क्या होता है सब पता रहेगा, तो आपको जरा सी भी तकलीफ नहीं होगी समझने और काम करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्यूचर में दोस्तों, अगर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो। तो दोस्तों अब हमारा हो गया कैपेसिटर हो गया, अब हम आते हैं दोस्तों पुल्ली पे, पुल्ली कहाँ लगा हुआ है दोस्तों, ये देखिए हमारा एक पुल्ली इधर है, एक पुल्ली यहाँ पे लगा हुआ है दोस्तों, अब इसको हम दिखाएंगे वीडियो में, तो आप जब प्रैक्टिकल देखेंगे तो ये हमारा पुल्ली हो गया दोनों दोस्तों, और उसके बाद फिर देखिए दोस्तों ये हमारा बेल्ट, अब बेल्ट कहाँ लगा हुआ है दोस्तों, ये गियर बॉक्स और ये वास्ट मोटर पे जो लगा है ये पुल्ली, ये बेल्ट ड्राइव चलता है दोस्तों, ये गियर जो वास वाला वास कपड़ा धोता है ये बेल्ट ड्राइव पे चलता है, और ये वाला डायरेक्ट चलता है, ये स्पिन डायरेक्ट चलता है, ये बेल्ट ड्राइव चलता है, वास वाला मोटर बेल्ट ड्राइव चलता है दोस्तों, तो ये हमारा बेल्ट हो गया दोस्तों, ये हमारा बेल्ट लगा हुआ है। उसके बाद आते हैं दोस्तों बफर, बफर बफर कहाँ लगा होता है दोस्तों, बफर का काम क्या होता है वो हम आपको बताते हैं, बफर यहाँ पे लगा होता है दोस्तों, यहाँ पे ये स्पिन मोटर में स्पिन ड्रम में लगा होता है, ड्रम में, तो दोस्तों इसका काम क्या होता है, एक तो वाटर लीकेज काम रोकता है, वाटर जो पानी इसमें भरता है तो मोटर पे गिरने नहीं देता है तो वहां पे लगता है, और इसमें एक बुश टाइप का एक वार्सल लगा होता है, तो जो इसमें जो पुल्ली इसका राड होता है घुमाने में मदद करता है, डिसबैलेंस नहीं होने देता है, तो ये आराम से घूमता है, रेस में घूमता है, तो इसके काम होता है बफर का, जो वाटर लीकेज मतलब पानी रोकता है लीकेज का, उसके बाद फिर रेस में चलाने का सपोर्ट करता है, जो इसमें वो लगा होता है बुश टाइप का वो लगा होता है। तो दोस्तों आते हैं अब नोब स्विच, नोब स्विच आप समझ रहे हैं, नोब स्विच का मतलब है कभी कहीं भी घुमाएंगे तो काम करेगा, इस पे अगर आप कहीं भी घुमाएंगे तो काम करेगा। अब आते हैं दोस्तों ये बजर, बजर क्या लगा हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पे बजर लगा हुआ है बजर का, तो बजर क्या कैसे काम करता है, तो दोस्तों आप अगर हमको 30 पे सेट कर दिए तो हमारा 30 मिनट के टाइम खत्म होते धीरे धीरे ये इधर इधर जाते हुए यहाँ पे ऑफ टाइम पे आ जाता है, तो 5-6 सेकंड 10 सेकंड पहले ये बजर बजने लगता है, जब कपड़ा धुल चुका होता है तो 10-5 सेकंड पहले ये बजर इन्फॉर्म कर देता है, सेंस कर देता है कि हाँ मेरा कपड़ा धुल चुका है, और जो धुल रहे हैं उन्हें पता चल जाएगा कि हाँ कपड़ा धुल चुका है, तो आके इसको बंद कर देंगे, या उसके बाद और धुलना चाहते हैं तो फिर और आके घुमा के फिर उसी टाइम से ये बजर यहाँ से काम करता है दोस्तों, ये बजर यहाँ पे जो है यहाँ से कपड़ा धुलने के बाद बताता है, इन्फॉर्मेशन करता है, सूचना देता है। तो आते हैं दोस्तों अब ड्रेन असेंबली, ड्रम असेंबली का काम क्या होता है दोस्तों, दोनों ड्रम को पानी को कनेक्टिंग होता है, जो पानी ड्रेन वाला गंदा पानी निकालता है, सूखा वाला पानी जो इसमें निचोड़ता है यहां से निकलता है दोस्तों, यहां से देखिए ड्रम आप देखेंगे तो इसे ड्रम असेंबली। तो दोस्तों आपको सारे पार्टों का नाम समझ में आएगा, काम भी समझ में आ गया। हाँ दोस्तों एक चीज और छूट जा रहा था तो हम आपको बता दे रहे हैं, आपको देखेंगे ये लगा हुआ है क्या कहते हैं इनलेट, वाटर इनलेट, ये ऊपर की टंकी का पानी अंदर आता है, आप यहाँ पे लगा देंगे
तो फिर यहां से पानी आप सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए वाश वाला लिखा है, स्पिन लिखा है, तो दोस्तों आप अगर इधर कर देंगे तो इसमें पानी आएगा टंकी का, और अगर इधर कर देंगे दोस्तों तो इसमें जाएगा, स्पिन में पानी जाएगा। तो दोस्तों आप इधर इधर घुमा सकते हैं, ऐसा होता है स्लाइडिंग का, इधर उधर खसकाने का, तो हो जाता है दोस्तों यहां से पानी आने लगता है, तो यहां से अंदर ऐसे पानी का होता है। तो दोस्तों इसको समझ गए अच्छे से। और हाँ, अगर दोस्तों अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, हम आपको बताएंगे। और प्रैक्टिकल में तो आपको हम दिखा ही देंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, आप बोरिंग सा लग रहा होगा, लेकिन नहीं, आपको अगर ये चीज पता चल गया तो समझ लीजिए कि आप 70% आप काम जान गए, और 70% काम जान गए तो 30% जानना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, अगर इसको अच्छे से समझे और इसका काम जान लिए। और प्रैक्टिकल में तो हम आपको अच्छे से समझा देंगे, अच्छे से बता देंगे, अगर आप वीडियो हमारा देखेंगे तो हम आपको अच्छे से बता देंगे। समझ लीजिए कि वॉशिंग मशीन का स्पेशलिस्ट बना देंगे इस वीडियो को अगर देखेंगे तो, और प्रैक्टिकल देखेंगे, वायरिंग भी इसमें बता देंगे, हम आराम से बता देंगे दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करें, चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।